डॉक्टर्स को सलाम करने का वक्त है। कोरोना की पहली लहर ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डरा दिया। दूसरी लहर बेहद घातक साबित हुई, इसने हजारों लोगों की जान ले ली और अब तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में देश के सामने बड़ी चुनौतियां क्या हैं, ये जानने के लिए हमने बात की नारायणा हेल्थ के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी से। ये खास बातचीत सुनिए। 15,000 से ज्यादा हार्ट ऑपरेशंस कर चुके डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहला सवाल यह है कि आज के हालात में पोस्ट कोविड और अदर पोस्ट सेकेंड वेव, थर्ड वेव अभी आनी बाकी है, उसकी चिंता है सबको। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे महत्वपूर्ण एरिया जहां पर भारत को फोकस करना चाहिए हेल्थ केयर के लिहाज से? मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ओनली वन थिंग, दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हैज प्रूवन दैट विद दैट इज द सेफेस्ट, बेस्ट एंड द चीपेस्ट इंटरवेंशन इन आवर फाइट अगेंस्ट COVID-19। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन at peak of second wave we had so many patients, we had nearly 600-700 patients in the hospital, but rarely we have come across patients who had two vaccines in the ICU. vaccination protects, so everyone, sab logo ne vaccination karna hai jaldi. sir, post covid or during these covid times, abhi ke jo halaat hain, इसमें सबके सामने एक इकोनॉमिक चुनौती बहुत बड़ी है। आर्थिक तंगी, आर्थिक मार, आर्थिक हालात, आर्थिक बदहाली, नौकरियों का जाना, ये वो फैक्ट्स हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं और इसमें सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कॉस्ट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको कैसे कम रखा जाए, क्योंकि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, हर एक की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी कॉस्ट कम करना बहुत जरूरी है। ये कोविड फर्स्ट शुरू होने के टाइम में हमको कोविड को कैसे मैनेज करना मालूम नहीं था, सो वी वर डूइंग लॉट मोर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड। एवरीबॉडी विद द पॉजिटिव कोविड टेस्ट वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, दे वर केप्ट इन द हॉस्पिटल फॉर 10 डेज 15 डेज, and a lot of them, even if they are not admitted, they are quarantined away in an institution. All this costs money. Now we realize that only symptomatic patients should be admitted to the hospital, only very severely symptomatic patients should be given the remdesivir and all the expensive medicines, and very few of them actually need to be hospitalized. So with this in better understanding, we believe that the cost of COVID care will go down, and overall the recovery, if it is faster, people. क्या कोशिश की जाए कि रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें और ताकत आए, उसमें और डेवलपमेंट और ग्रोथ हो? मुझे लगता है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर ध्यान देना अभी बहुत मजबूती से जरूरी है। एक ही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट रूरल एरिया में लार्जेस्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रूरल एरिया में प्राइवेट बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, लेकिन वहाँ सफिशियंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर नॉट अवेलेबल, दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। मेरा सजेशन है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर नीट पीजी एग्जाम, दे शुड कंडक्ट नीट पीजी एग्जाम एज सून एज पॉसिबल, एंड देन ओनली अबाउट 30,000 ऑफ देम विल गेट द पीजी सीट, अबाउट 1,30,000 डॉक्टर्स स्टिल विल नॉट हैव ए पीजी सीट। दे शुड बी इंसेंटिवाइज टू वर्क इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज based on the requirement of the COVID patients beds. Great. So same thing can be done with the nurses as well. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।